नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दुबई के 500 इंडिया के कितने होते हैं। तो उसके पहले बता दूं कि दुबई की जो करेंसी है उसको दिरहम कहते हैं, और मेरे पास काफ़ी सारे दिरहम के नोट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहे 5 दिरहम, 10 दिरहम, 20, 50, बहुत सारे ऐसे दिरहम के नोट्स हैं। और एक दिरहम जो है उसका वैल्यू इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 21 रुपये के बराबर है। तो फिलहाल आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि 500 दिरहम इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में कितना रुपए और टाका होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो मेरे पास जो नोट है, ये रहा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 500 दिरहम की नोट। इसको आप दुबई का भी पैसा कह सकते हो, क्योंकि दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक स्टेट है। तो ये रहा 500 दिरहम की नोट, ये काफी वैल्यूएबल नोट है। या बैक साइड यहाँ पे भी देख सकते हो, ये नोट जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेंट्रल बैंक इशू करते हैं, और बैक साइड में सारे इंग्लिश में लिखते हैं, और फ्रंट साइड में जो है उसको सारे अरबिक में लिखा हुआ है। तो अभी बात करते हैं इस नोट की वैल्यू कितना है। तो दोस्तों, इस नोट की वैल्यू देखने के लिए आप दो तरह से कर सकते हो। एक है आप अपना कैलकुलेटर निकालो, नहीं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट है तब आप गूगल में सर्च कीजिए 500 दिरहम टू इंडियन रुपीस, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो 500 दुबई मनी टू इंडियन रुपीस, आपको पैसा दिखा देंगे। तो ये जो 500 दिरहम की नोट है इसका वैल्यू इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा रुपए है। तो इस नोट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आज की डेट पे 10,123 रुपए के बराबर है। तो ये आप देख सकते हो, ये 500 दिरहम की नोट काफी कीमती नोट है। उसके बाद पाकिस्तानी रुपए के साथ बात करें तो ये जो 500 दिरहम की नोट है इसका वैल्यू पाकिस्तान में 24,100 पाकिस्तानी रुपए है। और ये नोट अगर आप बांग्लादेश पे लाते हो एक्सचेंज करने के लिए तब आपको मिलेंगे 11,700 बांग्लादेशी टका के बराबर। और दोस्तों, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, गूगल नहीं है, तब आप अपना कैलकुलेटर निकालो मोबाइल पे या नॉर्मल में, और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, नंबर जो है वो आपको डालने होंगे 21। तो 21 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए 500, तो 500 हो जाते हैं 10,500 रुपए। तो ऐसे अप्रोक्सीमेटली आप पता चलेगा आपको इंडिया में इस नोट की वैल्यू कितना है। तो दोस्तों, ये 500 दिरहम की नोट जैसे मैंने आपको कहा बहुत ही वैल्यूएबल नोट है, 10,000 से भी ज्यादा इंडियन रुपए के बराबर है। तो मेरे आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि 500 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम कितना वैल्यू होता है। और कुछ भी क्वेश्चन से अगर डाउट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा बहुत ही जल्द। तो फिलहाल वीडियो को आज यही पे खत्म करते हैं। मेरे चैनल में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि आपको फ्रेंड्स को भी पता चले कि 500 दिरहम कितना होता है इंडियन रुपए में। तो फिलहाल वीडियो यही पे खत्म करते हैं, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और नए वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय।